हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज असी कविता माँ दा प्यार पढ़न जा रहे हैं, जो कि पंजाबी पुस्तक भाग 7 विच दर्ज है। ये कविता अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई है। अमृता प्रीतम पंजाबी की एक प्रसिद्ध कवित्री है। कविता शुरू करने तो पहला अपना थोड़ा जा उन्होंने जीवन वल झात मारांगे। अमृता प्रीतम जी का जन्म 31 अगस्त 1919 ईस्वी में होया। उन्होंने माता स्कूल टीचर सन, उन्होंने नाम राजबीबी सी। उन्होंने पिता भी एक कवि सन, उन्होंने नाम करतार सिंह हितकारी सी। पिता तो प्रेरित होकर ही अमृता प्रीतम जी ने लिखना सीखा। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकां लिखिया हुई हैं। कई पुस्तकां ते पिक्चर भी बन चुकी हैं, जिन्हां विचों पिंजर नॉवल ते बनी पिक्चर एक अहम फिल्म है। इस फिल्म नू नैशनल अवार्ड भी प्राप्त होया है। इस तो इलावा उन्हां दी एक मकबूल हुई कविता अज आखां वारस शाह, अज आखां वारस शाह जो उन्हां दी कविता है, वह 1947 की वंड समय का जिंदा जागदी तस्वीर है। चलो हुण बहुता कुछ ना कहिंदे होए आपां अपने पाठ कविता मां दा प्यार वल आवांगे। इस विच कवित्री ने बड़े वधिया ढंग नाल मां दे प्यार बारे जिक्र किया है कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे नूं किन्नियां मुसीबतां सह के पालदी है। पर इत्थे एक गल ध्यान देण योग है, अमृता प्रीतम जी नूं अपनी माँ दा प्यार बहुत थोड़ी देर लई मिलिया सी, क्योंकि 11 साल की उम्र में उन्हां दे माता जी का देहांत हो गया सी। हुण आपां कविता माँ दा प्यार पढ़ रहे हैं। सच पुछो तो इस औलाद पिछे लखा मन विच मनता धर दे मां। कवित्री कह रहे हैं कि जे सच जानिए तो अपनी औलाद लई, अपनी संतान लई एक माँ अपने दिल विच लखा सुखा सुखदी है। उन्हूं बार बार वेखदी है, प्यार करती है, तो उन्हूं अपने कालजे नाल ला के चुमदी चटदी है। रीझां सदरां नालों पालदी है, सिर ते औकड़ां लख सहारदी मां। वह अपने बच्चे नूं बड़े चावां नाल पालदी है, तो अपने सिर ते आउण वालियां मुश्किलां नूं बिल्कुल भी परवाह नहीं करदी। कदी अकदी थकदी मूल नाही, दुख सहण तो कदी ना हारदी। अपने बच्चे नूं पालदी होई मां कदी भी अकेवा या थकेवा महसूस नहीं करती। ना ही उसकी किन्नियां मर्जी मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, ना ही उन्हां तों डरती है, क्योंकि उन्हूं अपना बच्चा अपनी जान तो भी वध प्यारा हुंदा है, ते उहदे लई उह हर एक कुरबानी करन नूं तैयार हुंदा है। देने लोरियां बच्चा खिडाउंदी है, मनो राजे दे महल उसारदी है। वह अपने बच्चे नूं प्यार भरे गीत गा के खिडाउंदी है, सौंदी है, ते मन विच राजे वर्गे महल कायम करदी है। राजे दे महल का मतलब यह है कि जिस तरह एक राजा शाही जिंदगी बतीत करता है, इस तरह माँ भी चाहती है कि उसके बच्चे नूं किसी तरह की दुख, किसी तरह की मुसीबत उसकी जिंदगी विच ना आवे। वह एक राजे वर्गा जीवन, शाही जीवन बतीत करे। वारी कोली सदकड़े लख वारी आप आप के मुंहों पुकार दी मां। वो बार बार अपने मुंह तो अपने बच्चे को वारी जावा, सदके जावा, मैं तेरे तो कुर्बान जावा, बलिहार जावा, भाव हर हालत में अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। देदे खिड़दा वेख के खिड़दा है चित उसका, फड़ फड़ बाहां नूं फेर खिलारदी। जदों अपने बच्चे नूं रिड़दा वेखदी है तां उसदा मन होर भी खुश हो जांदा है, क्योंकि उसदे बच्चे ने तरक्की कीती है। बैठण तों बाद उह रिड़ना सिख्या है, फिर उह अपने बच्चे नूं बाहां तों फड़ के खड़ी करन दा यतन भी करदी है कि रिड़ना इहने सिख लिया है, ते हुण इह तुरना भी जल्दी जल्दी सिखे। दिने रात ही चा मलाल करदी, खिड़खिड़ हसदी जदों जुलारदी मां। वो दिन रात अपने बच्चे नाल चाह करती है, लाड़ करती है, उहदियां खुशियां देख के खुश हुंदी है,
ते फिर उन्हें प्यार करते हुए बार बार खिड़ खिड़ के उच्च उच्च आवाज में हसती है। समा पा के जदों तुरन फिरन लगे जफ्फी पाने लई बाहां पसारदे हां। कहिंदे फिर थोड़ा होर वड्डा हुंदा है ते ओह तुरन फिरन लग जांदा है। जदों तुरना शुरू करदा बच्चा आपां देखिया होगा एक मां आप दूर बैठ जाएगी ते की कहिंदी कि आ मेरे कोल आ, अपने बच्चे नूं बाहां खिलार के होर फड़न दा यतन करदे, उहनूं होर खड़ा करन दा यतन करदी। खेडण जाण लई जदों तैयार होवे पावा कपड़े मूँह सवार दी मां। फिर जदों होर वड्डा हो जांदा वह बाहर खेडण जाण दे काबल हो जांदा अपने दोस्तां नाल, फिर भी उहनूं बड़े वधिया ढंग नाल तैयार करके सोहणे सोहणे कपड़े पा के उहनूं बाहर खेडण लई भेजदी है। कदी कदी जे उसनूं देर लगे विच फिकर ते समां गुजारदी मां, ते जे बाहर गए बच्चे नूं थोड़ी भी देर हो जाए, थोड़ा भी वो लेट हो जाए तो उन्नी देर माँ चिंता विच डुबी रहती है कि मेरा बच्चा हले तक घर क्यों नहीं आया, कित उन्हें कोई दुख या कोई उहदे नाल कोई दुर्घटना तो नहीं वापर गई। क्योंकि हर एक माँ के दिल में अपने बच्चे प्रति अथाह प्यार होता है तो वह हमेशा अपने बच्चे से कोई भी दुख आने तो घबरा है। उबे साह लैंदी डोबू पैर पा के मुड़ मुड़ बारी चुंचातियां मारदी माँ। कहिंदे वह उबे साह लैंदी औखे साह लैंदी, कहिंदे वह हर वेले औखे साह लैंदी है, उहदा दिल कंबण लग जाता है, डोबू पैरे वह घबरा जाती है, बहुत घबराहट विच आके फिर वह बार बार खिड़की चों बाहर देखती है कि मेरे बच्चे को ठीक ठाक घर आ जाए। क्योंकि जदों ही वह बच्चे को देख लेगी उहदे मन चों चिंता दूर हो जाएगी, इस करके वह बार बार बाहर निकल के देखती है या खिड़की चों देखती है। सुने आवाज ते साह विच साह आवे मिर्चां लै के सिर तो वार दी मां। जदों अपने बच्चे की थोड़ी जी भी आवाज़ सुन लैंदी है कि वह बार बोल रहा है तो उसके साह विच साह जान विच जान आ जाती है, उहदी चिंता उहदा फिकर खत्म हो जाता है ते वह अपने बच्चे तो सिर तो मिर्चां वारदी है। हुण इत्थे मिर्चां वारना जे आपां देखिए आपां कहिंदे तां इक वहम है भरम है, पर माँ के प्यार के अगे सारिया चीज़ा तुच्छ हैं। क्योंकि वह अपने बच्चे लिए सब वहम भरम करन नूं तैयार रहती है क्योंकि उसका बच्चा उसकी कमजोरी होता है। दुख रोग जे कोई आन लगे बौड़ी करो कोई फेर पुकार दूंगा, ते जे कभी बच्चे की जिंदगी विच बदकिस्मती नाल कोई दुख आ जाए ता वो मदद लई अपने आले दुआले दे लोकां नूं पुकारदी है, बुलाउंदी है कि कोई आके उसका कोई ना कोई उपाय करे। दौलत पानी दे बांदरां रोड़ दिंदी सरफा करे ना उस दुखियार दी मां। कहिंदे दौलत भाव पैसा अपने बच्चे दे इलाज लई उह पानी वांग रोड़ दिंदी है, ते इस मामले में बिल्कुल भी सरफा बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती, उन्होंने यह नहीं पता लगता उन्हें कितों पैसा इकट्ठा करना है, पर अपने बच्चे का हर तरह दुख दूर करना लोजी है। भावें किड्डा ही बच्चा नलायक होवे उन्हें फिर भी नहीं दूर करना। एंड विच कवित्री कह रही है कि बच्चा भावें किन्ना चंगा होवे माड़ा होवे बुरा होवे नलायक होवे पर माँ कभी भी उसका बुरा नहीं सोचती, वह कभी भी उन्होंने बुरा भला नहीं कहती, कभी भी नहीं दुत्कारती, वह हमेशा उसके भले की कामना करती है, हर वेले उन्हें प्यार कर तक सीमित रहती है। अमृत सच्चा या साफ के आंगना का सचमुच ही पुतली प्यार। अखीर में कवित्री अमृता प्रीतम कह रहे हैं कि जोड़ा ये रिश्ता है माँ के बच्चे का, यह आंगना का साफ, आंगना का साफ तो भाव एक खून का रिश्ता है माँ के बच्चे का, ते इसे करके मां नूं प्यार दी मूरत कहा जाता है, मां नूं प्यार दा मुजस्मा कहा जाता है। ते असीं भी यही कोशिश करांगे, तुहाडे बच्चों को सारे को मैं यही उम्मीद करती हाँ कि इन्नी वधिया कविता जिस विच अमृता प्रीतम जी ने मां दे प्यार नूं कि किस तरह उन्हें औखड़ा मुसीबतां सह के अपने बच्चे नूं पालिया है, ते अग्गे बच्चों का भी यह फर्ज बन जाता है कि वह अपने माँ बाप के आग्ञाकार बनन, वो अपने माँ बाप की हर पक्षों उन्हां दी जिंदगी विच कदी भी किसी तरह की गलत रुकावट ना बनन, बल्कि उन्हां
ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।